हसनैन जी बोलो सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो व्यूअर? अरे हसनैन हमरे आज कहाँ जाएंगे? मकर जगह सिंहपुर। कहाँ है मकर? जो जंगल सिंहपुर। वहाँ जाके क्या करेगा? वहाँ जाके घूमेगा, कूदेगा, सामान देखेगा और क्या करेगा? और अच्छा तो कब से रेडी हो भी पहले बतागा? 5 दिन से। दिन से रेडी है? तुम आयो ने रात में पहुंचा हो के एच हो गया था। अच्छा दिन से रेडी होके सो गए थे? मैं लेट कर गया। अच्छा हुआ, फिर जाएंगे हमारे मक्कर, ठीक है ना? अभी जाएंगे। हसनैन हमारे यहाँ क्या करते हैं, अभी गाड़ी पार्किंग लगा के अभी हम चले कहाँ अपने मक्कर घूमने के लिए, बाजार गेट के अंदर। तो मार्केट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमारा नज़र आया कोली के ऊपर, और कोली जो है बड़ा टेस्टी और बड़ा ही मज़ेदार हुआ था, ठीक है ना? और कोली लेने के बाद कुछ देर खाने के बाद हम लोग चले किधर के शॉपिंग की तरफ। शॉपिंग जाने के बाद वहाँ देख रहे हैं कि शॉपिंग का तो 5 रुपये से स्टार्टिंग है। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, आप जिस तरह का सामान लेंगे आपको उस तरह का सामान का रेट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग शॉपिंग करना स्टार्ट करें। शॉपिंग करना स्टार्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ने लगे और हसनैन मेरे साथ में चलने लगा और हसनैन की अम्मी भी चलने लगी। यहाँ पे चूड़ी सारा लगा हुआ है आपके हिसाब का, साइज़ देख लेने का, रेट पूछ लेने का, और यहाँ से आप हर वैरायटी का चूड़ी ले सकते हैं, सही है ना हसनैन? तो यहाँ पे व्यूअर लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है ना? हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग एक सब्सक्राइबर को एक गिफ्ट देंगे। कौन सा गिफ्ट होगा ये हम नहीं बताएंगे, और स्पेशल गिफ्ट देंगे। केक तो हम ऐसे भी काटेंगे, 1000 सब्सक्राइबर हमारे कम्प्लीट हो जाने से हम लोग केक काटेंगे, ठीक है ना हसनैन? तो उस केक को हमारा हसनैन काटेगा जैसा उसके बर्थडे में काटे थे। यहाँ चश्मे की दुकान है, हर वैरायटी की चश्मे मिलती है आपको, लाल, काली, हरी, नीली, पीली, आपको जो पसंद है, जो भी पसंद है आप ले सकते हो, मात्र 150 रुपये। 150 रुपये में आपको एक चश्मा मिल जाएगा। और यहाँ पे डॉल का दुकान है, ठीक है ना? आपको डॉल चाहिए, छोटा मोटा, बड़ा छोटा, सारा डॉल मिलता है। यहाँ पे भी एक रेट फिक्स है, आप पूछ सकते हो क्या कि किस कौन सा रेट आपको लेना। हाँ हसनैन एक गया था, एक मक्कर से बंदूक लेके आया है जो उसको बहुत पसंद है। ये बंदूक बंदूक बैठ के बहुत चलाता है और गोली भी मार रहा है। यहाँ पे और एक मसला था कि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग उस दिन आ गए थे। ये जो थाली बर्तन देख रहे हो, ये थाली बर्तन में आपको 80 रुपये से स्टार्टिंग है, यानी 80 रुपीज़ से, 80 रुपीज़ से प्लस 300 रुपये तक है। 300 रुपये में भी है, उससे ज़्यादा भी है, पर 300 रुपये एक फिक्स रेट रखे थे। तो 80 रुपये का थाली बर्तन तो, और 300 रुपये में भी है। यहाँ पे कटारी, छुरी और चापड़ जो भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगा आपको। मक्कर जो लगता है, छोटे छोटे बड़े घर वाले जाते हैं ताकि अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सामान लेके आ जाएं। और यहाँ पे मकाई है, मकाई जो होता है ठंडी के दिन में बहुत बेहतर होता है खाने के लिए, और वो 20 रुपये में मिलता है, ठीक है ना? ये देखिए उस साइड में भी एक दुकान है और इस साइड में भी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मकाई ज़्यादा खाते हैं। मकाई इसलिए खाते हैं क्योंकि ठंडे का सीज़न है और घूमने के लिए मकाई बेस्ट है, हाथ में पकड़ते सूखे सूखा खाते हुए चलते हैं। ये है चूड़ी का और एक दुकान, और भी जबल बहुत सारा दुकान है, इतना दुकान है कि मत पूछिए, ठीक है ना? आप यहाँ पर आइए और अपना जो भी है मनपसंद सामान लेके जाइए, ठीक है ना? सस्ता, वैरायटी और टिकाऊ सब आइटम मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ से हम लोग को जो भी है मिल जाता है।
तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा चीज मार्केटिंग करते हुए निकलते हैं अभी दूसरी साइड की तरफ, क्योंकि ये मक्कर बहुत बड़ा जगह है और ये फूलों का दुकान है। जब घर आप सजाना है तो यहाँ से आप फूल लेके जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत फूल है मगर प्लास्टिक का है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा क्या सो बोलते हैं सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक का सामान आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने हसनैन के लिए एक गोला तैयार करेंगे, ताकि हसनैन को गोला बहुत पसंद है, तो गोला यहाँ बनाना स्टार्ट होता है। भाई हमारे बर्फ लगा के बस काटना स्टार्ट करते हैं, ये देखिए क्या बेहतर स्टाइल से काट रहे हैं गोला। हाय, यहाँ से एक काठी तो थोड़ा बैंड करते हैं, बैंड करने के बाद वो गोले बर्फ के अंदर देते हैं, बर्फ के अंदर देने के बाद उसको मुट्ठी में बंद करके ये देखिए ग्लास में डाल के अच्छी तरह से उसको सेप देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गोला हम उसका हसनैन का रेडी हो रहा है, ये देखिए क्या स्टाइल है यार, ज़बरदस्त स्टाइल है। यहाँ पे शुगर पाउडर डाल दिए, शुगर पाउडर डालने के बाद अब कौन सा फ्लावर देने वाला है पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मिक्स ले लेने वाले हैं मिक्स, ताकि हर वैरायटी टेस्ट उसको मालूम हो जाए, ठीक है, काला कटा हो या कुछ भी हो, तो हर टेस्ट उसको देने वाला है, इसलिए हर चीज़ का वैरायटी ले रहा है। तो हौले हौले करके हर एक आइटम डाल रहा है, डालने के बाद उसको हमारा हसनैन जो है मेरे यानी मेरा लड़का हसनैन जो बहुत बेचैन था गोला खाने के लिए, तो उसको मिलने वाला है इसका, ये देखिए गोला यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब ये हसनैन देखो कितना बेताब हो रहा है गोला खाने के लिए। चलो यहाँ गोला पकड़ते के साथ में हसनैन अपने ज़बान से लगा लिया, हाय कैसा है हसनैन ना, बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसे खाते हुए हम लोग अभी मार्केट के अंदर जाने लगे, फिर दोबारा यहाँ पे बहुत सारा पलंग है, गद्दी पलंग बेड वेड सब है। तो एक पलंग का रेट करीब 36,000-40,000 है जो गद्दी के साथ में है। ये एक डाइनिंग टेबल है छोटा सा है पर 14,000 है इसका रेट, आप अपने छोटे से फैमिली के लग रख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ बच्चे लोग के खेलने के लिए एक लगाए हैं डोरीमोन का, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग बच्चे छोटे बच्चे हैं ले के आओ खेलते हैं। पर मेरा लड़का तो नहीं खेला, जो हसनैन है वो नहीं चढ़ा, वजह क्योंकि उसको डर लगने लगा, उसके साथ में कोई नहीं है, वो अकेला जाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। और हम लोग तो जा ही नहीं सकते, यहाँ पे अलमारी जो है बहुत खूबसूरत खूबसूरत अलमारी रखे हुए हैं, ये तो वॉल पेंटिंग है उसमें लगा के बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ आप आके अपने घर के लिए अच्छे अच्छे सोफ़े हैं, टेबल हैं, डाइनिंग हॉल हैं और सब चीज़ें आप आइटम ले सकते हैं। यहाँ पे मेले का पूरा सेटअप लगा हुआ है बच्चे लोग के लिए, और बच्चे लोग झूलते भी हैं, पर हमारा हसनैन झूल नहीं पाया क्योंकि उसको डर लगता है, ठीक है ना। डर का कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं बोला भाई रहने दे, क्योंकि डरना डरता है तो वहाँ जाके फायदा नहीं है। तो ये देखिए बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ और अच्छी तरह से घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए आजकल के टाइम में। आजकल के टाइम में इतने सारा इंसान को परेशानी है, तो इस परेशानी का हल यही है कि अपने लाइफ को कुछ पल के लिए एंजॉय करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से आ गए बच्चे लोग के पास फिर दोबारा, और बच्चे लोग ये बहुत बड़ा है एरिया, तो यहाँ पे बच्चे लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह से एंजॉय करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जंपिंग लगाया हुआ है, यहाँ पे भी हंसने नहीं कूदा वजह क्योंकि उसको डर ही लगता है, ये देखिए बच्चे लोग कितने मज़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक बैग की दुकान है जो 180 रुपये में बैग मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे बैग 180 का भी है, 220 का भी है, 250 का भी है, फिक्स रेट है, आप आगे अपने चॉइस के हिसाब से बैग ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अब हम फिर थोड़ा अंदर आते हैं, थोड़ा अंदर आने के बाद ये देखिए जो बेटी लोग को दहेज में देते हैं पेटी, तो वो सारा पेटी भी है यहाँ पे, आके आप अपना देख सकते हैं। वहाँ से घूमने के बाद हम लोग थक गए, थकने के बाद चलो नाश्ता वास्ता कर लें बोल के, इसलिए यहाँ आके चाट खाने लगे, चाट और दही बड़ा।
इफ्तार दही बड़ा खाने के बाद हम लोग चले फिश मार्केट की तरफ। एक छोटा सा फिश का दुकान है, यह बोलते हैं उड़ीसा का फेवरेट सुकुआ बोलते हैं। हर वैरायटी का सुकुआ देखिए ये कितनी बड़ी मछली लगाया है। ठीक है ना, हल्दी नमक डाल के उसको सुखा के धूप में उसको बेचते हैं। तो यहाँ उड़ीसा में बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये उड़ीसा में नहीं श्रीलंका में भी खाते हैं और इंडोनेशिया में भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं, पर हमारे यहाँ का स्टाइल ही कुछ अलग है। ठीक है ना, यहाँ होने के बाद हम लोग घर आने के लिए तैयारी करते हैं, पर खाना वाना तो हल्का फुल्का खाए थे इसलिए हम लोग दो आदमी हैं तो दो डोसा लगा दिए। 40 का एक डोसा आता है, 40-80 रुपये का दो डोसा लगा लिए, ताकि हम लोग वहाँ टाइम बहुत हो चुका था, बैठ के तो नहीं खा सकेंगे, इसलिए आप हम घर में लेके आ गए, घर में बैठ के आराम से खा सकें। ठीक है ना, और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताना। ठीक है ना, और अच्छा लगा तो कमेंट करना और लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्या बताएं। ठीक है, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में गुजारिश। हसनैन जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे हसनैन, आज जो जगतसिंहपुर गए थे ना, क्या सब आज मार्केटिंग हुए? दिखाओ दिखाओ, उठा के दिखाओ, कौन सा लेके आयो, क्या क्या लेके आयो? वो है नखून काटने वाला, और ये है नखून पॉलिश। किसका है? अम्मी का। ओह, और क्या है? रोजी अप्पी का। ओके, एक रोजी अप्पी का, एक अम्मी का, और ये भैया का। भैया का क्या है वो, जरा अच्छे से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ क्या है। इसको भर के कहाँ लेके जाना है आपको? स्कूल। कहाँ जाना है? ये तो किसको दोगे? तुम्हारा? तुम्हारा? मेरा? या लाल वाला? ओ, अच्छा, तुमको क्या लाल वाला पसंद? अच्छा, और क्या है? और वो डब्बे में क्या है? वो डब्बे में ये हाँ, वो क्या है? रबट। अरे छोटा छोटा है, बड़ा प्यारा लगता है रबट। ये भी रबट, जो जब अरे ये क्या पापू बोतल के जैसा हुआ है? ये दोनों अच्छी, इसमें पानी भी भर सकते पीते हैं, इसमें दूध भी भर सकते पीते हैं। अच्छा, और क्या लेके आए हो? और जली में। अच्छा, जली में। अच्छा, एक एक ठो निकालो, चलो भी आया। चला के देखा है? ओह माय गॉड, जरा चला के दिखा है। होता है नहीं, मार सकते नहीं। अच्छा छोड़, डमरू बजा के दिखा। डमरू? ये डमरू किसका है? ये किसके लिए ले गए? ये मेरे के लिए। ऐसा वाला क्या ले गए? जरा डमरू के पीछे सीटी भी है, सीटी बजाओ। देख, होसा पकड़ो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। हाँ हाँ, बसता नहीं। छोड़ो, आयशा के लग क्या लेके आए? अरे 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 अरे, बढ़िया वाला आयशा के लग लाए। वो क्या उससे तीजे मारेगी, बॉक्सिंग मारेगी ना? मारेगी। और तो क्या खाए वहाँ पे? क्या खाए? हाँ, जगतसिंहपुर में, जगतसिंहपुर
तो क्या